ॐ तव कथामृतं तप्त जीवनं कविपीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः श्री भगवान की पद सेवा से कैसे हम आध्यात्मिक अभीष्ट लाभ कर सकते हैं, उसी का चर्चा हो रहा था। श्रीमद् भागवतम में विस्तृत चर्चा है, बारंबार कह रहे हैं संसार सागर से उद्धार होने के लिए यही एकमात्र सहज पंथा है। हम लोग कई बार दिखा था, महाराज पृथु वो कह रहे थे अगर भगवान के पाद सेवा में किसी को आनंद मिल जाए बस उससे उनका मन पवित्र हो जाएगा, शरीर भी पवित्र हो जाएगा। भगवान के पद से ही गंगा निकला हुआ है, इसका चर्चा हुआ था, श्री माँ शारदा देवी का दर्शन हुआ था और शास्त्र में भी उल्लेख है। गंगा स्पर्श से जैसे हमारा शरीर का पवित्रता होता है वैसे ईश्वर के पाद पूजा में मन का पवित्रता हो जाता है और वो साफ शरीर मन से ईश्वर का परछाई दिखाई पड़ता है, ईश्वर दर्शन हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है। तेही बात यमा भी श्रीमद् भागवत में उल्लेख किया है 6:33 षष्ठ स्कंद का तृतीय अध्याय का 33वां श्लोक में कहे हैं कि अगर किसी को एक बार भगवान को पाद पद्म में उनका जो आनंद है, जो रस है, एक बार मिले पादांग्री पद्म मधुन, अगर वो पद्म में जो शहद है उसका स्वाद एक बार मिल जाए फिर उनके लिए कोई भी विषय का स्वाद और अच्छा नहीं लगेगा। एक अद्भुत कंपैरिजन दिया है कि भगवान का आनंद जो है वो इतना तीव्र आनंद है, इतना गहन आनंद है कि उसके बराबर और कोई आनंद नहीं हो सकता है। एक श्यामा संगीत में भी है, साधक मातृवंदना में कह रहे हैं जो श्री ठाकुर का बहुत पसंदी लगाना थे, मुझलो अमान मुन भ्रमुरा श्यामा पौधो नील कमले जो तो विषय मधु तुच्छ होलो कामादि कुसुम सकले। अनेक पुष्प है, कामादि अनेक पुष्प है, उसमें भी शहद है, मधु मिलता है, लेकिन अगर जो भ्रमर है वो एक बार जो भ्रमर है वो एक बार अगर पद्म में तो शायद उसमें रम जाए और कोई फूल में नहीं जाएगा, उसमें उसका सारा भरपाई हो जाता है। तो जितने जो विषय कुसुम है तो ठाकुर भी कहते हैं एक बार भगवान में जो आनंद मिलता है और सब सुख
संसार सुख आलोनी बोध है। भगवान का आनंद में जितना आनंद होता है उसके बराबर आलोनी, मतलब जो सब्जी में लवण नहीं है। सब्जी तो है, स्वाद नहीं है, वहाँ हमारी रुचि नहीं होता है। हमारा रुचि उसमें होता है जो स्वादिष्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि वो कहते हैं भगवान का हमारा प्रयोजन क्यों, कारण दैट इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ जॉय। हम जितना भी सुख जितना भी आनंद संसार से पालें, अगर उसमें हमारा भरपाई हो जाता तो भगवान का आनंद का हमारा जरूरत नहीं होता है। एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टू रिप्लाई टू द क्वेश्चन व्हाई शुड यू सीक द जॉय ऑफ गॉड। तो विषय में जो लिप्त है, जिसका कोई समस्या नहीं है, आनंद में ही है, तो उनके एक स्टैंडर्ड प्रश्न होता है, साधारण प्रश्न होता है। हमारा जीवन में तो कोई असुविधा नहीं है, कोई अतृप्ति नहीं है, कोई कम नहीं है, कमियां नहीं है, दुख नहीं है, तो हम फिर क्यों भगवान का आनंद के लिए तलाश करें। तलाश इसलिए करना अनिवार्य है क्योंकि विषय सुख में हमारा तृप्ति नहीं मिलेगा। जो वही भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, उपनिषद का वाणी हमें याद रखना चाहिए। जो खंडित सुख है, सीमित सुख है, वो बराबर के लिए हमें आनंद देने में असमर्थ है। जो असीमित सुख है, अनंत है, अनएंडिंग है, नियत है, जो ईश्वर के सुख है, ब्रह्मा के सुख, ब्रह्मानंद है, जब तक वो नहीं मिलेगा हमारा तृप्ति नहीं होगा। तो ये जो ब्रह्मा, इसको साफ बता दिया और इसके साथ साथ यही भी बताया 4333 श्लोक में कि जो कहा जाता है जो वैदिक कर्म करना चाहिए, चित्त शुद्धि के लिए वैदिक कर्म करना चाहिए, लेकिन वैदिक कर्म से निष्काम कर्म नहीं होता है। कर्म करने से फल होता है और फल हमें भुगतान करना पड़ता है। अगर हम तो निष्काम कर्म करने में हमारा रुचि नहीं है, इसलिए कहा जाता है सकाम कर्म करो। सकाम कर्म करते करते निष्काम कर्म होगा, लेकिन भागवत का जो कहना है कि सकाम कर्म करते हुए निष्काम कर्म होना बहुत दूरी की बात है। अगर निष्काम कर्म करना है तो पहले से ही निष्काम कर्म करो, अर्थात भक्ति पद अवलंबन करो। सीधा बात है, भक्ति पद अवलंबन करते हुए श्री भगवान के पाद सेवा रूप कर्म किया करो, वही निष्काम कर्म होगा। और यही निष्काम कर्म से तुम्हारा आखिर में मुक्ति मिलेगा। नहीं तो सकाम कर्म करते हुए तुम और भी बंधन में फंस जाओगे। बंधन मोचन करने के लिए कर्म किया जा रहा है, कर्मों के करने को जो जो कारण है, ताकि हम कर्म बंधन से मुक्त हो सके। कर्म करने से बंधन होगा, तो कर्मयोग वही होगा जो कर्म हमें बंधन के परिवर्त में मोक्ष का द्वार में पहुंचा दें। लेकिन वो कर्म ही हमें और भी बंधन में फंसा दे तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। वही यम कह रहा है, ये कर्म जो वैदिक कर्म जो कहा जा रहा है शास्त्र में, जो अनुष्ठानिक कर्म, यज्ञादि कर्म, जो वैदिक कर्म होते यज्ञ में उसको हेतु अनुसार किया जाता है। पहले जो संकल्प किया जाता है इस कारण से, इस ये चीज़ पाने के लिए कर्म करेंगे। तो अगर कुछ लाभार्थ कर्म करे एवं धीरे धीरे उससे निष्काम कर्म करे, ही तो विधान है। ये कहते बिल्कुल इस हिसाब से नहीं होगा, पहले से ही आपको निष्काम कर्म करना है। अर्थात जो हम लोग कहते हैं श्री रामकृष्ण प्रीति कामना हेतु अगर कर्म करे, भगवान का प्रत्यर्थ
जो भगवान का पाद पद्म करना है, पाद पद्म पूजा मतलब भगवान के जो दिया हुआ का कर्म है, भगवान की जो सृष्टि है सबको सेवा करते हुए, तो उद्देश्य क्या है? भगवान का प्रीति उत्पादन। पाद सेवा क्यों किया जा रहा है? भगवान का पाद सेवा का जो अक्षरी करते हैं, भगवान का पद सम्मान करने से भगवान का प्रीति होगा, और तो कुछ हमें नहीं चाहिए। उससे हमें कुछ प्रार्थना हो फिर हम उसको ओरिएंट करके दूसरा प्रार्थना करें, ये सब नहीं है। अर्थात सेवा जो किया जा रहा है भगवान को, जो कर्म हम कर रहे हैं ईश्वर का ही कर्म है, ईश्वर को प्रीति उत्पादन करने के लिए कर्म किया जा रहा है, यही भक्ति मार्ग है। यही अवलंबनीय है। अगर इस अनुसार हम कर्म करें तब वो कर्म मोक्ष का कारण होगा। एवं ये कर्म करते हुए अगर हमारे आनंद हो, वही सच्चा आनंद है, वो आनंद मिलने से और दूसरा कोई विषय सुख हमें आकर्षण नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक दूसरा श्लोक में ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे हैं, वो दशम स्कंद में 10.4.46 जो ब्रह्मा बोल रहे हैं कि मैं ब्रह्मा, देखिए ब्रह्मा जो है एक स्टेज है, एक पद है, जो हमारी परंपरा में कहा जाता है कि जीव का साधन बदन करते हुए उन्नीत होते हुए ब्रह्मा पद तक भी पहुँच सकता है। तो ब्रह्मा कह रहे हैं, प्रभु मेरा इस जन्म में अथवा अगले कोई दूसरा जन्म में, कोई भी जन्म हमें हो सकता है, कितना हम्बुल है, इट्स नॉट दैट आई विल बिकम ब्रह्मा इन ऑल द टाइम, आई मे बी बॉर्न इन सम अदर स्पीसीज। कोई भी जीवन हमें मिले, मेरा जो विचार है जीवन का सबसे ज़्यादा अवसर है आपको पाद सेवा। कोई भी जन्म मिले हमें ये दुर्लभ पाद सेवा रूप अवसर बराबर मिल जाए। आई डो नॉट केयर विच बर्थ आई एम हैविंग इन एनी स्पीसीज, जो नीचे से ऊपर तक जितना भी जन्म हो सकता है, कोई भी जन्म मिल जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक चीज़ चाहिए आपको, पाद सेवा का अवसर, द अपॉर्चुनिटी टू सर्व योर लोटस फीट। आई फील दैट इज द हाईएस्ट पॉसिबल फॉर्चून पॉसिबल टू ए बीइंग टू एबल टू सर्व योर लोटस फीट। तो हम लोग जिनको भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए ये स्वयं ब्रह्मा का स्तव है। वो बोल रहे हैं कि आपको पाद सेवा रूप अवसर जीवन में सर्वोच्च प्राप्ति है, और वो हे प्रभु मैं ब्रह्मा होते हुए जो दूसरा कोई जन्म में हमें ये सुजोग से वंचित ना किया जाए, हमें ये अवसर बराबर मिलते रहे, ताकि आपको पाद सेवा के माध्यम से हम जीवन में सर्वोच्च आनंद प्राप्त करें एवं आपसे बार बार युक्त रहें। भगवान के पाद सेवा रूप आनंद मिलने से और कोई जो मृत्यु भय और कोई विभ्रम नहीं हो सकता है, वी आर सेफ एंड श्योर सिक्योर्ड फॉर एवर। ये ब्रह्म का स्तव है, ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। पाद सेवा अत्यंत महत्वपूर्ण एक अवसर है जीवन का, जो जीवन में एक स्थायी चिरस्थायी एक आनंद का स्रोत है, सोर्स ऑफ पेरेनियल जॉय इन आवर लाइफ इज अपॉर्चुनिटी टू सर्व अदर्स। तो ये जो पाद सेवा, इसको हल्कापन से ना लिया जाए, इसको बराबर के लिए हमारे जीवन का परम संपद रूप से ग्रहण करें, तब ही हमारे जीवन आनंद में भरपूर हो जाएगा। ये प्रसंग बाबू भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।
आज शुक्रवार का अवसर है शारदा संघ का क्लास, लेकिन समा रिवाइज समा शेड्यूल 10 बजे से सुबह 10 से 11 तक शारदा संघ का माँ की मधुर स्मृतियाँ एवं शाम को संधारित्र के ऊपर पतंजलि योग सूत्र का प्रवचन होगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद मिलेगी। नमस्कार।